तो शिवम जी, जिस प्रकार अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि अब की बार हम 350 सीट पार करने जा रहे हैं, क्या लगता है कितनी सच्चाई दिखाई दे रही है उनके इस दावे में? देखिए, सच्चाई कितनी है वो तो उनको अपने आप ही समझ में आ गया होगा। जिस तरह से जिला पंचायत चुनाव के बाद उन्होंने क्या हुआ था कि जितने भी लोग जीते, निर्दलीय जीते, वो भी हमारा, वो भी हमारा, वो भी हमारा। आपको याद होगा अभी पिछले दिनों ये जो अपना आम आदमी पार्टी है, इसके एक प्रवक्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पार्टी के खिलाफ और बताया था कि किस तरह से पार्टी ने क्या किया कि जो कैंडिडेट जीत गया उसको अपना बता दिया, जो जीत गया अपना बता दिया। इन्होंने भी ऐसे ही किया था। जिला पंचायत के रिजल्ट अभी तो आए नहीं है जो आने वाले हैं, लेकिन अभी जो निर्विरोध चुनाव की लिस्ट आई है जो जिला पंचायत अध्यक्षों की, उसमें से 22 में से 21 भारतीय जनता पार्टी के हैं। अब आप मुझे एक चीज बताइए कि 22 में से 21 भारतीय जनता पार्टी के हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी को वोट पड़ा है या उसके नाम पर वोट पड़ा है या उस सिंबल पर वोट पड़ा है? आज ही मैं किसी डिबेट में था तो उनके प्रवक्ता मंत्री कह रहे थे कि भाई ऐसा नहीं है, इन्होंने लोगों को हॉस्टाइल कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। समाजवादी का कार्यकर्ता तो इस प्रदेश का सबसे बड़ा गुंडा माना जाता था कि नहीं? आप बताइए भाई, ददुआ, ठेकुआ और इसके अलावा मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, इन सबको माननीय बनाने में किसका हाथ है? समाजवादी पार्टी का। आपको लगता है ये कहीं डरेंगे या दबेंगे? बिल्कुल नहीं। जनता ने ही वोट इस तरह से दिया है और जनता का ही ये मैंडेट है, इनको शुरुआत में लगा। और जहां तक बात अखिलेश यादव जी की है, मुझे लगता है कि ट्विटर पर ट्विट खेलने से कोई 350 सीटें नहीं आती। अब तो बहरहाल वो भी जाने वाला है, जैसे उसके हालात चल रहे हैं, शायद उन दोनों बच्चों के पास एक ही मतलब प्लेटफॉर्म है, राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी के पास, वो भी चला जाएगा। जनता के बीच में होते तो शायद सच्चाई समझ में आती। अच्छा, आप जिस क्षेत्र से आते हैं उसी क्षेत्र से जयंत चौधरी भी आते हैं और उन्हीं के साथ अखिलेश यादव का गठबंधन होने वाला है, तो क्या लगता है युवाओं की ये जोड़ी 2022 में काम आएगी? यूपी को ये साथ पसंद है, युवा जोश और ये सब तमाम चीजें आपने देखी होंगी जब इन्होंने राहुल गांधी के साथ जो है गठबंधन किया था। हाल क्या हुआ, जनता ने दिखा दिया। अब जहां तक बात जयंत चौधरी की है, देखिए चौधरी चरण सिंह जी की ये पूरा देश सम्मान करता था, प्यार करता था, पसंद करता था, उनको आज भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आज भी उनके ऊपर किसान दिवस मनाया जाता है तो वो भारतीय जनता पार्टी अटल जी की सरकार ने ही अनाउंस किया। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप किसी परिवार से आते हैं लेकिन क्या वो आप वैल्यूज लेकर आगे आए हैं? वैसा नहीं है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर सिर्फ यही है कि यही साथ पहले भी यूपी के लोगों ने फ्लॉप किया, यही साथ इस बार भी फ्लॉप करेंगे, क्योंकि यहां पर मामला सिर्फ परिवारों को बचाना है। अखिलेश यादव को अपनी कुर्सी बचानी है, जयंत जी को अपना पारिवारिक सत्ता बचानी है। इस तरह से पारिवारिक सत्ता नहीं बचती, जमाने बदल गए हैं, चीजें बदल गई हैं। जो काम, जो व्यक्ति कर्मठ है, जिसने काम किया है, 5 साल जो जनता के बीच में रहा है, कोविड ठीक होने के बाद आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी बावजूद उसके 40 से ज्यादा जिलों के दौरे करके जनता के बीच में रहे, तमाम सिचुएशंस को कंट्रोल किया, तमाम जगहों पर वो रहे, बीमार होकर ठीक होने के बाद, मैं मानता हूं अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नहीं है और जयंत चौधरी भी मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन एक के दादाजी इस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं और एक के घर में से कितनी बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी कि जनता के बीच में जाके जनता की बात करें? क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी कि लोगों को कहें कि वैक्सीन लगवाइए, प्रमोट करते, उल्टा नेगेटिव उन्होंने मार्किंग की? तो जनता ये सब जानती है, समझती है, देखती है और उसी के बाद निर्णय लेती है कि वोट किसको देनी है। उत्तर प्रदेश 23 करोड़ का राज्य है और जिस तरह से सुरक्षा, कानून व्यवस्था, उपचुनाव, जिला पंचायत चुनाव, इनके रिजल्ट्स और तमाम चीजें दिखाई जाती है, ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से बड़ा मैंडेट लेकर आने वाली है। जिस तरीके से अखिलेश यादव सोच रहे हैं कि जाट यादव समीकरण वो लगा रहे हैं, कि सोच रहे हैं कि मुस्लिम तो हमारा है ही, लेकिन जिस तरीके से अब की बार ओवैसी की भी एंट्री हो गई है, 100 सीटों पर वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो क्या लगता है ओवैसी कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोटर का समीकरण है वो बिगाड़ने वाले हैं, अखिलेश यादव को नुकसान होगा इस चीज का? देखिए, उत्तर प्रदेश में मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर अब वो जिस तरह से पहले जमाने में होता था, मायावती जी MY के फॉर्मूला पर जाती थी, इन्होंने भी बहुत बार इस पे काम किया, इसके अलावा कुछ एडेड वोट्स पड़ जाते थे, अब वो जमाना रहा नहीं। 2017 ने वो पूरा ब्लॉक तोड़ दिया, सारे जो इनके जितने भी नेता थे, जितने भी इनके वोटर्स थे, सब भारतीय जनता पार्टी की तरफ आए, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार आई। 2019 में भी वो एंगल चेंज हुआ और एंगल चेंज होने के बाद आपने देखा कि कास्ट, क्रीड, कॉम्बिनेशन, इन सब से ऊपर उठकर मुस्लिम यादव और इन तमाम कॉम्बिनेशन से उठकर जो है ऊपर जनता ने विकास को वोट दिया, हिंदुत्व को वोट दिया, इन सब चीजों पर वोट दिया। इससे यह साबित होता है कि अब जो ये पुरानी जो इनकी कहानियां, कैलकुलेशन, 5% फलानी जाति का वोट है, 5% इसका है, 10% यहां से मिल जाएगा, 20% ये आ जाएगा, अब वो नहीं चलता है। अब मामला विकास का है, मामला हिंदुत्व का है, मामला सच्चाई का है, मामला 5 साल की गवर्नेंस का है, मामला गुंडागर्दी का है, रेप का है, बलात्कार का है, तमाम मुद्दे हैं। मामला बेशक आप
सरकार में नहीं थे, लेकिन मामला आप कितने सड़क पर रहे इस बात का भी है। 2012 से 17 जी के बीच में अखिलेश जी या तो लंदन में थे या अपने घर में थे, जो ताजमहल बनाया हुआ है, कभी जनता के बीच दिखे क्या? नहीं दिखे। कोरोना में क्या उनका कोई कार्यकर्ता आपको दिखा? नहीं दिखा। भारतीय जनता पार्टी जबकि जनता के बीच में रही, मैं कहता हूं कि 5 साल में शायद बहुत सारी उम्मीदें इस देश प्रदेश की जनता को भारतीय जनता पार्टी से हुई होंगी, शायद सारी चीजें ना पूरी हुई हो जिस तरह की उम्मीदें हुई हो, लेकिन जनता ने यह देख लिया कि एक फ्रेमवर्क हो सकता है, 24 घंटे बिजली है तो हो सकती है। अगर दंगों की बात, कोई भड़काने की बात कर सकता है तो उस पर एनएसए लग सकता है। वो मुसलमान है, इस बात से उसको छोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि उस बात से उसको देखा जाएगा कि अगर वो दंगा कर रहा है तो उसको जेल में डाला जाए। जिस तरीके से जनसंख्या नियंत्रण कानून की अब बात भी हो रही है, मसौदा तैयार किया जा रहा है, क्या लगता है क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून इसलिए लाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है? नहीं, जनसंख्या नियंत्रण कानून उत्तर प्रदेश के चुनाव से कोई इसका लेना देना ही नहीं है। संघ की बहुत पुरानी मांग है जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर। असम के जो मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, उन्होंने कहा है कि मुस्लिम्स के लिए एक हैंडसम फैमिली प्लानिंग होना चाहिए। जाहिर है हमारे देश में, दुनिया में नेचुरल रिसोर्सेज की बेहद कमी है। आप अगर बढ़ते ही चले जाएंगे, कोई भी जात हो, कोई भी धर्म हो, तो आने वाले समय में आप कितनी भी सुविधाएं इस देश के लिए बना लीजिए, वो कम ही पड़ जाएंगे। बड़ी बड़ी मतलब ये अपने आप में बहुत दुख की बात है कि इंसान को अगर मतलब इंसान की जान की बिल्कुल ही वैल्यू ना रहे तो उससे क्या लाभ है। हमें कुत्ते बिल्लियों की तरह जनरेशन नहीं बढ़ानी है, जनता नहीं बढ़ानी है, मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ ये। हमें सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि ये चीज़ें रुकें, एक लेवल पर जाकर ये देश स्टेबिलिटी ले और कहीं ना कहीं इस देश की जनसंख्या नियंत्रण पर एक जो है जनसंख्या पर जो है नियंत्रण लगे, और वो बेहद ज़रूरी भी है। जहाँ तक यूपी चुनाव का मामला, आप इसको यूपी चुनाव से क्यों जोड़कर देख रहे हैं भाई? यूपी से क्या मतलब है, ये तो सबके लिए है। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून में जो हिंदू के लिए होगा वही मुसलमान के लिए होगा, वही सिख के लिए होगा, वही ईसाई के लिए, वही पारसी के लिए, सबके लिए वही है। उत्तर प्रदेश में चुनाव भी सबके लिए बराबर ही है, तो कोई इसको जनसंख्या नियंत्रण कानून को यूपी से जोड़कर देख सकता है? जिसको माइनॉरिटी अपीजमेंट करना होगा, जिसको मुस्लिम तुष्टीकरण करना होगा, हम इसको उससे जोड़ के नहीं देखते। हम देखते हैं कि हमारे प्रदेश में बेहतर विकल्प है जो है उन पर काम किया जाए। और भारतीय जनता पार्टी का केंद्र से लेकर राज्य तक एक एजेंडा बड़ा क्लियर रहता है कि जितने भी पुराने पड़े हुए मुद्दे हैं उनका निस्तारण होना चाहिए, चाहे वो मामला राम मंदिर का हो, चाहे वो 3 तलाक का हो, चाहे वो 370 का हो, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड का हो, सब चीजों को लेकर। अब ये मुद्दे बहुत पुराने हैं, अब इनको जितनी जल्दी होकर खत्म करके हम शिक्षा और स्वास्थ्य और इन तमाम चीजों पर बढ़ेंगे बेहतर होगा। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून भी उनमें से एक है और वो आना ही चाहिए। अच्छा, अगर विकास की बात की जाए, 5 साल में आपके क्षेत्र में क्या कुछ बदला? पहले क्या कुछ हालात थे, आपने देखा होगा, आप वहीं पर रहे हैं, पहले क्या था, अब क्या बदला है 5 साल? देखिए, मेरा बचपन उत्तर प्रदेश में बीता है, बागपत, मेरठ और इन सब तमाम जगहों के बीच में। आप भी अभी जहां खड़े हैं ये नोएडा है, आप यहां से निकलकर मेरठ जाइए, कितना टाइम लगता है आज आपको? मुश्किल से 40 मिनट 45 मिनट, इतना ही लगता है ना। अब इससे सही 5 साल पहले पहुंच जाइए आप, कितना टाइम लगता था? अब 14 से पहले अगर हम पहुंचे तो यहां से मेरठ पहुंचने के लिए आपको कम से कम 2.5-3 घंटे लग जाते थे, क्योंकि ये पूरा सड़क कितना था, 2 लेन का सड़क था, इतना सा, एक गाड़ी के बराबर से एक गाड़ी नहीं निकलती थी। आज हाईवे है, आप 40-45 मिनट में मेरठ पहुंच जाएंगे। बागपत की सड़क जिसकी हम बात कर रहे हैं, आपको याद होगा आप भी वहीं उसी एरिया से आते हैं, क्या हालात थे उस सड़क के, कभी पहुंच पाते थे क्या? इतने गहरे गहरे गड्ढे थे कि ट्रक गिर जाए तो वो भी खो जाए, इतना बुरा हाल था उसका। आज जाकर देखिए सड़कें बेहतर हैं, सेंट्रल स्कूल से लेकर तमाम चीज़ों का फैसिलिटी दिया गया है। आज उत्तराखंड तक अगर सड़क की बात करें तो आप बहुत बेहतर सिचुएशन है। आज सबसे बड़ी बात जो गुंडागर्दी, उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा नाम अगर खराब किसी चीज़ को लेकर हुआ है तो वो गुंडागर्दी को लेकर हुआ है। क्या होता था कि भाई, जैसा कि अजीत सिंह जी ने ही कहा था, वो अलग बात है कि दोनों यूपी के जो युवा हैं वो मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अजीत सिंह जी, उनके पिता का कहना कुछ और था, वो अभी इस दुनिया में नहीं है, हमसे बेहतर जगह पे है, लेकिन उनका कहना था भाई, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा उसके अंदर गुंडा, यही कहते थे ना। तो कहने का मतलब ये है कि उनके लिए अखिलेश यादव जी क्या थे, उन्होंने बता दिया, उनके बेटे उनसे गठबंधन कर रहे हैं, शुभकामनाएं। लेकिन प्रदेश की सबसे बड़ी जो परेशानी थी वो यही थी, आज इस प्रदेश में एक गैंगस्टर जिसको पैदा करने में, बनाने में समाजवादी और बीएसपी का बहुत बड़ा हाथ है, हम उसको गर्दन पकड़ के पंजाब से खींच के लाए। मेहनत लगी हमारी, सरकार की बहुत मेहनत लगी, हमने बारंबार रिक्वेस्ट किया, हम सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, लड़ने के लिए पहुंचे, लेकिन उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम उसको अपने प्रदेश में लेकर आए, मेहनत करनी पड़ी। लेकिन वो अंसारी है, कौन है, इससे फर्क नहीं पड़ता, हमें कितना बड़ा गुंडा, बदमाश, गैंगस्टर है उससे मतलब नहीं है, लेकिन हम लेके आए, आज हम उसको अपने प्रदेश में
इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। आज तमाम जितने भी बड़े गैंगस्टर्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज गिराने में सरकार बिल्कुल पीछे नहीं हटी। गैंगस्टरों से डरते होंगे, पुराने माननीय हैं, बिठाते थे अखिलेश जी अपने बराबर में, हमने अपने बराबर में नहीं बिठाया, उनको बोला कि या तो जेल में जाकर शांति से बैठ जाइए, नहीं तो जहां आपकी जगह है जैसा कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं वहां आप पहुंच जाएंगे। आपने देखा किस तरह से लोग प्लाकार्ड लेकर जाते थे कि भाई जेल भेज दो हमें, किसी भी तरह से हमारी जान को खतरा है, अवैध संपत्तियां जितनी बनाई हुई थी सबको तोड़ा गया, सरकार को उनको दिया गया। आज राज्य में एक सुकून है, एक कॉन्फिडेंस है। आज एक महिला, मैं बिल्कुल नहीं कहता हूं कि अपराध पूरी तरीके से खत्म हो गए हैं और ये समय के साथ होंगे, लेकिन आज एक महिला अगर कहीं पर है तो वो कम से कम महसूस सेफ महसूस करती है अपने आप को। ये बहुत जरूरी है क्योंकि उसको पता है गुंडा होगा कार्रवाई होगी, गैंगस्टर होगा कार्रवाई होगी, किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता होगा कार्रवाई होगी। ये नहीं होगा कि साइकिल का झंडा लगा हुआ है तो पुलिस से भी बदतमीजी की जा सकती है, सब किसी से नहीं, अब ऐसा नहीं है। कार्यकर्ता किसी भी पार्टी का हो, कोई भी हो, गैंगस्टर कोई भी हो, गुंडा कोई भी हो, बलात्कारी कोई भी हो, गोली मारने के लिए भी नहीं चूका जाएगा। तो ये चीज उत्तर प्रदेश में बदली है और ये इस प्रदेश के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि किसी के भी परिवार के लिए अगर कुछ महत्वपूर्ण है तो वो यही है। रंगदारी से लेकर तमाम वो चीजें, साहिबाबाद, नोएडा, गाजियाबाद चले जाइए, किस तरह से टेबल के ऊपर से बाकायदा इंडस्ट्रीज से पैसा लिया जाता था, क्या हालात थे, लोग इंडस्ट्रीज ले लेके कुंडली शिफ्ट हो गए थे, आज फिर से साहिबाबाद आ रहे हैं, क्योंकि कानून का राज है, कानून की तरीके से चीजें चलेंगी। पहले क्या होता था आप सब जानते हैं। अच्छा, आखिरी सवाल यही है कि क्या 350 सीटों का दावा जो है अखिलेश यादव का वो खोखला साबित होने वाला है, जनता इस बार विकास को वोट करने वाली है? देखिए, ट्रिपल डिजिट भी अगर पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, 2017 में भी ऐसे ही कहते थे। अब वो पता नहीं कौन से ग्लास की बात करते थे, ये तो मुझे याद नहीं है, लेकिन वो एक ग्लास की बात करते थे कि नोएडा से ग्लास अगर हम रख दें तो लखनऊ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। वो जनता ने ऐसा ग्लास घुमा दिया कि वो डबल डिजिट में ही रह गए। इस बार भी वही हाल है, जिस एक रोड को लेकर चुनाव लड़े थे ऐसी 10 से ज्यादा सरकार बना चुकी है और हम उस पर चुनाव लड़ रहे हैं। गुंडागर्दी और जिस तरह का अराजकता का माहौल था उसको खत्म करके हम उस पर बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तमाम चीजें डेवलपमेंट से लेकर विकास की बात करते हैं, हम उस पर बात कर रहे हैं, उसी को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। जनता ने उपचुनाव में दिखाया 7 में से 6 सीटें बीजेपी के पास थी, 1 समाजवादी के पास थी, अभी तक तो जिला पंचायत आया नहीं, 22 में से 21 बीजेपी के साथ है। तो मामला बहुत साफ है, प्रदेश को ना गुंडागर्दी चाहिए, ना अराजकता चाहिए, ना ताकत चाहिए, ना मारकाट चाहिए, ना महिलाओं के साथ छेड़छाड़ चाहिए, ना रंगदारी चाहिए, ना खास तौर पर किसी जाति धर्म को अपीज करने वाला नेता चाहिए जो कहे कि भाई ये अच्छा है, ये फलाने धर्म का नेता है, नहीं नहीं इसको हाथ नहीं लगाना, अगर इसके नाम के पीछे खान है तो इसको तो कोई छू नहीं सकता, भाई पुलिस वाले की इतनी हिम्मत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपके नाम के पीछे क्या है वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। अगर आप अपराधी हैं तो चाहे आप गैंगस्टर हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, आपके साथ सख्ती से पेश आया जाएगा, ये बात। अब आप कहते हैं कि उनका 350 का, 350 उनको कहना उनकी मजबूरी है, भाई इतने दिनों से मतलब जो है 5 साल हो गए सत्ता से बाहर हैं, 5 साल और बढ़ने वाले हैं, तो उसको देखते हुए कार्यकर्ताओं में जोश तो भरना जरूरी है। अब मैं भी कमरे में बैठ कर कहता रहा हूं 350, 350, 450, तो वो तो कह तो मैं कुछ भी सकता हूं, उसको तो कोई नहीं रोक सकता, लेकिन जमीनी हकीकत तो चुनाव बताते हैं ना, और चुनाव ने बता दिया। तो सबसे ज्यादा जरूरी ये है इस समय उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का कोई विकल्प ना तो है और ना अभी कोई भविष्य में दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक व्यक्ति जो 24 घंटे में से मतलब 17-18 घंटे काम करता हो, एक व्यक्ति जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर चलता हो, एक व्यक्ति चाहे वो पुरानी सरकार का सबसे बड़ा मंत्री भी हो जो ये कहता हो कि ऊपर भगवान और नीचे आजम खां हैं, चाहे उसको भी जेल भेजने की बात हो, चाहे उनके जमीन हत्याने और कब्जाने की बात हो, एक व्यक्ति जिसने किसी भी चीज को नहीं माना, कानून व्यवस्था कायम करके प्रदेश में शांति का माहौल पैदा किया, उसका ऑप्शन यानी कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का ऑप्शन या फिर उनका कोई विकल्प अभी तो इस भविष्य में नजर नहीं आता। और ये तो बड़े बड़े राजाओं के बेटे हैं, ये क्या जाने मेहनत और मशक्कत करने के बाद किस तरह से मुख्यमंत्री बना जाता है। भाई राजा का बेटा राजा, चाहे जयंत जी को ले लीजिए, चाहे इनको ले लीजिए अखिलेश जी को, अब ये राजा का बेटा राजा वाला सिस्टम नहीं है। आप जनता के बीच में आइए, काम कीजिए, उनके राइट्स के लिए लड़िए, उनके लिए अगर काम किया होता आपने तो आप 17 में भी रिपीट होते, लेकिन ये सच्चाई है, ना आप 17 में रिपीट हुए और ना आप अब रिपीट होंगे।